हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। सबसे पहले पंडित राजकुमार जी, आपका हमारे न्यूज चैनल पे ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं एकादशी की। मैं आपको यह कह रहा हूँ, मड़ियाहू तहसील में SDM और यहाँ CO साहब यहाँ सब बैठते हैं, लेकिन मड़ियाहू तहसील में इतना गंदगी क्यों है और यहाँ दर पे दर दलाली और भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? ऐसा है, हमारे तहसील में माननीय SDM साहब, माननीय तहसीलदार साहब, CO साहब सब बैठते हैं और यहाँ का जो मुद्दा दलाली का है, न CO साहब कहे हैं दलाली करिए, न SDM साहब, न तहसीलदार। यहाँ पे लोग चेहरे बदल के आते हैं, आम भोले आदमी जनता को सरकार के बदनाम करने के लिए यहाँ तहसील और थाने के चक्कर लगाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे दलाली करते हैं, ऐसे व्यक्ति तहसील में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। जिस दिन अधिकारी उनको पकड़ेंगे और दलाली करते हुए या लेन देन में संज्ञान में आएगा, तो मैं उनके खिलाफ़ FIR यहाँ करवाऊँगा और जनता को न्याय देने के लिए दलाल तो यहाँ से वंचित हो ही जाएंगे। परंतु यहाँ के जो सफाई व्यवस्था है, ये सबसे गंदा हमको दिखाई दे रहा है। जहाँ पे तहसील है, यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सफाई के लिए वाहन कर रहे हैं, वहीं पे टाउन एरिया के सफाई कर्मी, बगल में नाला है, गंदा है, इंडिया मार्क का नल है, ऐसी व्यवस्था, बगल में यहाँ कूड़ा लगा है। मैं टाउन एरिया के चेयरमैन से तत्काल मांग करता हूँ कि तहसील की सफाई पर विशेष ध्यान दें। तहसील सबकी है, राष्ट्र की है, जिसे गंदगी न रहे। कोरोना गया नहीं है। मैं एक इसी चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ, सभी जनता से, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। मास्क जरूर लगावें, 2 गज की दूरी रहे, साबुन से हाथ धोए। देश की मजबूती के लिए, आप जो है राष्ट्र के मजबूती के लिए, अपने ब्लड में, अपने हड्डी में ईमानदारी ले आइए। जनता भोली भाली गरीब जनता आती है, जो कि तहसील थाने में न्याय लेने, यहाँ के कुछ चुने गुने दलाल हैं जो कि आए दिन अधिकारियों के जो है ऑफिस में चक्कर लगा के और जनता को न्याय के जगह धन उगाही करते हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री से भी, कि यहाँ पर विजिलेंस भेज के ऐसे दलालों को, ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो रिश्वत लेते हैं, इनको तत्काल जेल भेजा जाए, जिसे जनता को न्याय मिले। धन्यवाद। मैं आप एक सवाल और है आपसे, तहसील एक उप जिला है, तहसील एक उप जिला है और इस तहसील में मड़ियाहों में इतना भ्रष्टाचार है, यहाँ के मैं कुछ लोगों को देखा हूँ 10 का 20 लेते हैं। आखिर आप समाज सेविक है, यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ के नेता, ये सब क्यों नहीं ध्यान दे रहे, आप बताइए। ऐसा है, हम लोग इसका भ्रष्टाचार का विरोध हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कोई पिछवाड़े ले रहा है, कोई जाकर बाहर मीठा की दुकान पर पैसा ले रहा है, कोई सड़क पर ले रहा है। हमारा प्रयास है, माननीय मोदी जी, योगी जी कहे कि भ्रष्टाचार खत्म हो, भ्रष्टाचार कम हुआ है। हम 2022 में पुनः मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, भ्रष्टाचार ऑनलाइन हो रहा है, हर चीज खत्म कर दिया जाएगा, ये जनता को मैं भरोसा देता हूँ। मेरा सवाल और है आपसे, देश का प्रधानमंत्री नहीं आएगा यहाँ साफ करने, ना राज्य का मुख्यमंत्री, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो तमाम तहसील में लोग बैठते हैं, सबके सहयोग से भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी सरकार आए भ्रष्टाचार खत्म हो, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है, भ्रष्टाचार तो बात आप सही कह रहे हैं, जब जनता चाहेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार के लिए जन आंदोलन किया जाएगा, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना खत्म किए, वैसे हम लोग मिलके समाजसेवी, राजनीतिक दल, अच्छे छवि के नेता, जनप्रतिनिधि और अधिकारी सभी मिलके भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको मैं विश्वास देता हूँ कि 2022 की नई सरकार बनने के बाद हम लोग भ्रष्टाचार 0 पर करेंगे। इसीलिए मैं सब ऑनलाइन कर रहा हूँ, कानून व्यवस्था आउट टाइट होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि कानून जो तोड़ेगा उसको कोई किसी का छोड़ा नहीं जाएगा। धन्यवाद।